Hi, myself, I'm Ratna Bhushan. Welcome to the program, The Great Bharat and the Great People. Good evening, Honorable Prime Minister Ji. This is the program for you and for the people of our nation. It will cover your broad efforts for the betterment of the nation and suggestion for you so that we can make this country more glorious in the whole world. Today, my program is dedicated to Atal Bihari Vajpayee. Sri Atal Bihari Vajpayee, jinhone hamare desh ke liye aise bahumulya cheeze diye जिसके लिए हमारे पास शब्द नहीं है. मैं रत्नभूषण द ग्रेट इंडिया द ग्रेट भारत की तरफ से श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और मैं ये आशा करता हूं कि उनकी बताई हुई चीज़ों को अगर हम देशवासी केवल 10% फॉलो करें तो हमारा देश सदा ही आगे बढ़ता जाएगा. अलविदा अटल जी. कृतज्ञ राष्ट्र का सत सत नमन. सुशासन के प्रेरणा भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी. कभी हार नहीं मानी निकल पड़े अनंत सफ़र पर. कभी हार नहीं मानी निकल पड़े अनंत सफ़र पर. और मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि मेरे ग्रैंड फादर इन लॉ को वो अपना गुरु मानते थे और सदा ही वो लखनऊ श्री रामकृष्ण खत्री जो मेरे ग्रैंड फादर इन लॉ थे उनके पास आते रहते थे. और उनका सबसे मुख्य चीज़ें वो थी कि ही वॉज़ वेरी फ्रैंक और सब बहुत अच्छी चीज़ें बच्चों को भी समझाते थे और सबको बताते थे कुछ न कुछ. उनकी एक लिखी हुई कविता है जो बहुत सुंदर है और मैं चाहता हूँ कि ये कविता हर व्यक्ति अपने कापियों पे लिख ले. ये हर व्यक्ति अपनी कापियों पे लिख ले, अपनी डायरी पे लिख ले, अपने घर में लगा रख ले. अभिनंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है, अर्पण की भूमि है. अभिनंदन की भूमि है, अर्पण की भूमि है. यहाँ की हर नदी हमारे लिए गंगा है. यहाँ की हर नदी हमारे लिए गंगा है. हर कंकड़ में शंकर है. जिएंगे इस देश के लिए, जिएंगे इस देश के लिए और मरेंगे तो भी इस देश के लिए. अभिनंदन की भूमि है, ये अर्पण की भूमि है. अभिनंदन की भूमि है, ये अर्पण की भूमि. श्री अटल बिहारी वाजपेयी आज हमारे बीच में वो नहीं है, लेकिन उनकी प्रेरणाएं, उनके राष्ट्र प्रेम ये हम लोग के लिए बहुत ही बड़ा प्रेरणा स्रोत है. मेरे लिए तो वाजपेयी जी का जाना पिता के समान अभिभावक का साया सिर से उठने जैसा है. उन्होंने मुझे संगठन और शासन दोनों का महत्व समझाया, दोनों में काम करने की शक्ति और सहारा दिया. वह जब भी मिलते थे तो पिता की तरह खुश होकर आत्मीयता के साथ गले लगाते थे. मेरे लिए उनका जाना ऐसी कमी है जो कभी भर नहीं पाएगी. यह एक युग का अंत है. नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री. वाजपेयी जी की लोकप्रियता भारत में तो थी, पाकिस्तान में भी उनके चाहने वालों की तादाद कम नहीं थी. जब भी वाजपेयी जी पड़ोसी देश के साथ रिश्ते सुधारने की कोशिश करते तो उन्हें चौतरफा घेरा जाता. विपक्ष भी हमले करता, लेकिन उनका कहना था दोस्त बदल जा सकते हैं लेकिन पड़ोसी नहीं. उनकी इस सोच ने पाक में भी लोगों को प्रभावित किया. अटल बिहारी वाजपेयी अगर भारतीय राजनीति के अटल साबित हुए हैं तो उनकी खुद की खासियतों की हम योगदान है. दुनिया में ऐसे उदाहरण कम ही देखने को मिलते हैं जिन किसी राजनीतिक का जितना सम्मान उसकी पार्टी के भीतर होता है उतना ही सम्मान विरोधी दलों में भी होता रहा. NDA की अवधारणा भी अटल की ही देन है. अपनी उदारवादियों सोच की बदौलत ही उन्होंने किसी जमाने में भारतीय राजनीति में अछूत माने जाने वाले BJP को स्वीकृति दिलाई. उनकी इसी कामयाबी की बदौलत ही BJP फर्श से अर्श तक पहुंची, फर्श से अर्श तक पहुंची. भारतीय जनमानस के हर व्यक्ति के प्रेरणा सूत्र, हर व्यक्ति के मोटिवेटर, हर व्यक्ति के पाथफाइंडर श्री अटल बिहारी वाजपेयी. डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का कहना है कि भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के निधन का समाचार सुनकर अत्यंत दुख हुआ. प्रखर वक्ता, कवि, राजनेता और महान प्रधानमंत्री वाजपेयी आधुनिक भारत के उन बड़े नेताओं में से एक है जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश सेवा में गुजार दिया. उनके लिए किए गए कार्यों को देश हमेशा याद रखेगा, देश हमेशा याद रखेगा. माननीय वाजपेयी जी हमारे दिल के हर अंग में हैं, हमारे खून में हैं. उनकी बताई हुई चीज़ों को अगर हम लोग थोड़ा भी पालन करें तो मुझे लगता है कि हमारा देश, हमारी मातृभूमि, हमारा भारत
और आगे के शिखर पर बढ़ता ही जाएगा और बढ़ते बढ़ करके ऐसे ऐसे काम कर जाएगा जो देश के लिए बहुत गौरवान्वित होगा। प्रधानमंत्री उन्होंने कहा था, विद्वान प्रखर वक्ता अटल बिहारी वाजपेयी ने समय समय पर संसद से लेकर सड़क तक के मसलों पर बेबाक टिप्पणी की, उनकी बातें लोगों को याद है। उनके संसद में एक संसद को समाज का दर्पण होना चाहिए, संसद को समाज का दर्पण होना चाहिए, समाचार पत्रों को भी समाज का दर्पण होना चाहिए। लेकिन अगर संसद में तथ्य छिपाए जाएंगे और अगर उन्मुक्त वाद विवाद के लिए वातावरण नहीं होगा, अगर संख्या के बल पर बात गले के नीचे उतरवाने की कोशिश की जाएगी तो संसद राष्ट्र के हृदय का एक स्पंदन नहीं रहेगी। अन्य संस्थाओं की तरह ही एक संस्था मात्र रह जाएगी, वह कानून पर मुहर लगाएगी मगर देश में न तो कोई बुनियादी परिवर्तन ला सकेगी और न तो देश को अराजकता की ओर जाने से रोक सकेगी। लोकसभा में बैठकर कभी कभी मुझे लगता है मैं अपने दायित्व का पालन नहीं कर पाता। क्या बोलें, किसके सामने बोलें, जिन्हें सुनाना चाहता है वे सुनते नहीं, जो सुनते हैं वे समझ नहीं रहे हैं, जो समझ रहे हैं वे जवाब दे नहीं रहे हैं। किताबों के बारे में श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने बोला, वैसे कि खरीद कर पढ़ने की हमारी आदत भी कम है, हम उधार लेकर ज़्यादा पढ़ते हैं। वर्ष में एक पुस्तक खरीदने का तो सबको संकल्प करना चाहिए, कम से कम एक, अब एक से तो कम नहीं हो सकती, आधी किताब तो आप खरीद नहीं सकते। हम घर का सामान खरीदते हैं, घर को सजाने के लिए वस्तुएँ लाते हैं, क्या घर में कुछ पुस्तकें नहीं होनी चाहिए? पुस्तकों जैसी कोई साथी नहीं और कोई मित्र नहीं। पुस्तकें जड़ नहीं, चेतन होती हैं। पुस्तकें बोलती हैं, पुस्तकें गाती हैं, पुस्तकें पाठक को गुदगुदाती हैं। पुस्तकों में नवरस है, पुस्तकों में क्षण रूपी है, जब चाहें तब आप उस रस का पान कर सकते हैं। श्री अटल बिहारी वाजपेयी का ये पुस्तकों के ऊपर कहना। दो शब्द उन्होंने और भी बोला, धरती को बौना की नहीं, ऊंचे कद के इंसानों की ज़रूरत है, किंतु इतने ऊंचे भी नहीं कि पांव तले दूब ही न जमे, कोई काटा न चुभे, कोई कली न खिले, न बसंत हो न पतझड़ हो, सिर्फ ऊंचाइयों का अधड़, मात्र अकेलेपन का सन्नाटा। मेरे प्रभु, मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले न लगा सकूं, इतनी रुखाई कभी मत देना। क्या सुंदर कविता है हमारे प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी, आओ फिर से दिया जलाएं, बहुत सुंदर कविता है जिसको मैं ज़रूर पढ़ूंगा। भरी दोपहरी में अधियारा सूरज परछाई से हारा, भरी दोपहरी में अधियारा सूरज परछाई से हारा, अंतरम का नेह निचोड़ो, बुझी हुई बातें सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। हम पहाड़ हम पड़ाव को समझे मंजिल, लक्ष्य हुआ आँखों से ओझल, वर्तमान के मोह जाल में आने वाला कल न भुलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने नव दधीची हड्डियां लगाए, आओ फिर से दिया जलाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए जितने भी शब्द पढ़ा जाए, ये मैं दैनिक जागरण से पढ़ रहा हूँ, जितने भी चीज़ों को बोला जाए, जितनी भी चीज़ों की प्रशंसा किया जाए, जितनी भी चीज़ें, ये सब शब्द बहुत कम हो जाएंगे। उन्होंने अपना जीवन पूरे देश के लिए दिया, इस मातृभूमि के लिए दे दिया। और शुरुआती जीवन के बारे में ज़रूर मैं बताऊँगा कि 25 दिसंबर 1924 जन्म ग्वालियर मध्य प्रदेश, पिता श्री कृष्ण बिहारी वाजपेयी, माता कृष्णा देवी, शिक्षा एमए राजनीति शास्त्र ग्वालियर के विक्टोरिया अब लक्ष्मीबाई कॉलेज और कानपुर के डीएवी कॉलेज से, पेशा पत्रकार सामाजिक कार्यकर्ता, चार राज्यों से 4 बार सांसद चुने गए, उनके समय में 15 लोकसभाएं चुने हुई, 10 बार चुने गए, राष्ट्र धर्म पांजान्य और वीर अर्जुन का संपादन किया, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में जेल गए, 1975-77 में लगे आपातकाल के दौरान जेल में रहे, उनके कार्यकाल में देश मजबूत परमाणु शक्ति बना, पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार को 5 साल चलाया।
श्री अटल बिहारी वाजपेयी। हम इनके लिए जितने भी शब्द की किया जाए उतना ही कम है, जितने भी शब्द कहा जाए उतना ही कम है। उन्होंने देश के लिए इतना योगदान दिया, इतना योगदान दिया जिसके लिए हम लोग के पास एक भी शब्द नहीं है। और एक भी शब्द नहीं ऐसा है कि जो हम मतलब पूरा हो सकेगा। श्री राज बब्बर जी का कहना है, मैं इनके कथन का बहुत ही सुंदर कहना है, राज बब्बर जी का जो कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय राजनीति के अप्रतिम सेनानी थे। अप्रतिम सेनानी हैं। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौर को देखा, नेहरू और इंदिरा के काल में भारत निर्माण को भी देखा। राज बब्बर उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष। सो थैंक यू वेरी मच टू वॉच माई प्रोग्राम। आई वुड लाइक टू टेल यू, हम लोग अटल बिहारी वाजपेयी जैसे तो नहीं बन सकते, लेकिन उनकी बताई हुई चीज़ों को, उनके बताए हुए रास्तों को, उनकी जैसी कार्यशैली को फॉलोअप करके, उनके जैसा राष्ट्र प्रेम अगर हम 10% भी करते हैं तो अपने देश को बहुत ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। वही उनकी एक सोच थी, वही उनकी एक अटल इच्छा थी कि अपने देश को आगे बढ़ाना है और पूरे विश्व में भारत का डंका बजाना है। और हम लोग तो ऐसे व्यक्ति हैं जो सबसे प्यार करना जानते हैं, हर व्यक्ति से प्यार करना जानते हैं। थैंक यू सो मच टू वॉच माई प्रोग्राम। विश यू ऑल द बेस्ट and God bless you, my whole nation. I love you, sir. I love you so much. We will miss you so much.